हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। हमने एक क्वेश्चन लिया जिसका डायग्राम ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन इन द गिवन डायग्राम द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। अज्यूम दैट टेबल एंड पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस। यहाँ जो स्ट्रिंग लगी हुई ये पुलीज है, ये पुलीज है जो है, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस है जो है, और ये जो हमारी स्ट्रिंग लगी है जो मासेस से अटैच हैं ये हमारी मासलेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टेबल के ऊपर ये 8 kg का एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 m/s। हमने लेट किया हुआ है m1 = 2 kg, इधर वाले को हमने m1 ले लिया, m1g, ठीक। इसका वेट mg डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। और यहाँ इसको m2 ले लिया हमने, ये क्वेश्चन में यहाँ m2 लिखा है, तो m2g इसका डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। m3 ऊपर दिया हुआ है, तो वो जब एक्सेलरेशन वगैरह लेंगे तो वहाँ m3 ले लेंगे। ये हमारा हो गया m3, ठीक। बाई यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। बाई यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम पॉइंट बनाएंगे फॉर m1, पहले m1 के लिए बनाएंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, m1 हमारा है 2 kg, ठीक, और ये T1 इसको ऊपर उठा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का लगा हुआ है डायग्राम में। तो जो नेट फोर्स m1 पर आएगा वो T1 माइनस m1g आएगा, तो नेट फोर्स m1a, नेट फोर्स m1a इज इक्वल टू T1 माइनस m1g आएगा, और ये बनाएगा इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ पे इसमें a अपवर्ड है तो नेट फोर्स ma होता है, ma ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब T1 ज़्यादा है, m1g कम है, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू ma आ गया, ठीक। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। फॉर m2 इसी तरह बना लो, फॉर m2, तो m2 के लिए क्या है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जब डाउनवर्ड होगा तो m2g माइनस t2 होगा, ठीक, वो नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा m2a इज इक्वल टू m2g माइनस t2, और ये बनाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब एक यहाँ भी है, इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर m3, यहाँ भी नेट फोर्स क्या आएगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है तो m3a नेट फोर्स होगा, ठीक, m3a इज इक्वल टू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इसका मतलब t2 माइनस t1 होगा, t2 माइनस t1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएंगे, ठीक। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, बाई एडिंग वन टू एंड थ्री, तीनों को ऐड कर देने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर m1a प्लस m2a प्लस m3a मिलेगा, m1a प्लस m2a प्लस m3a,
इज इक्वल टू, इधर देखो ऐड करेंगे स्टूडेंट तो T1 से T1 कैंसिल होगा, T2 से T2 कैंसिल होगा, M2G प्लस का है और M1G माइनस का है, तो M2G माइनस M1G होगा। ठीक, इनमें A कॉमन ले लो स्टूडेंट, आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू, इन दोनों में जी कॉमन ले लो, एम टू माइनस एम वन जी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो स्टूडेंट, सबकी वैल्यू दे रखी है, एम वन एम टू एम थ्री और जी सब दे रखा है, तो यहाँ से आ गया हमारा ए एम वन है टू, एम टू है फोर, एम थ्री है एट, ये हो गया फोर माइनस का टू और G की वैल्यू है 9.8। ठीक, इधर कितना हो गया 14, यानी A इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 माइनस 2 गया 2 इंटू 9.8 अपान आ गया 14। ठीक, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 7 आ गया, 9.8 को 7 से डिवाइड कर दिया, A इज इक्वल टू आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमारा निकल आया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, अब हमारा A कल निकल आया है तो 1 में रख दो, T1 निकल आएगा। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation 1, ठीक, equation 1 में वैल्यू पुट कर दो, T1 निकल आएगा, देखो क्या निकलेगा, यहाँ पे M1 हमारा दे रखा है 2, A आया हमारा 1.4 इज इक्वल टू T1 माइनस M1 हमारा दे रखा है 2 और इंटू जी दे रखा 9.8। ठीक, ये हो जाएगा 2.8 इज इक्वल टू टी वन माइनस 19.6, यहाँ से टी वन आ गया 19.6 प्लस 2.8 यानी टी वन की वैल्यू आ गई 22.4 न्यूटन। Now from equation 2, यहां देखो equation 2 में T2 को उधर कर दो, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2G माइनस M2A। ठीक, M2 कॉमन ले लो, G माइनस A आ जाएगा इज इक्वल टू 4 9.8 माइनस 1.4 4 इंटू ये हो गया 8.4 T2, यहां से T2 की वैल्यू आ गई, T2 इज इक्वल टू 33.6 न्यूटन। यहाँ एक आंसर आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।